हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की गरीबी यूट्यूब चैनल। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा फिर से एक बार इतिहास रचने जा रही है। नासा फिर से मंगल ग्रह पर हेलीकॉप्टर उड़ाने जा रही है जिसका नाम है इंजीनिटी। इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम भी है, आई बटन पे भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, चेकआउट कर लेना और रिमाइंडर भी सेट कर लेना। तो ये जो इंजीनिटी हेलीकॉप्टर है इसको सफलतापूर्वक इसका डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। अभी मंगल पे ये जो इंजीनिटी हेलीकॉप्टर है उसको उतार भी दिया है और कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में हम इसका लाइव टेक ऑफ भी देखने वाले हैं मंगल की ज़मीन से। काफ़ी मज़ा आएगा, मंगल की ज़मीन से जब ये लिफ्ट ऑफ होगा तब मैं लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा। लाइव स्ट्रीम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन पे भी दी है, चेकआउट कर लेना। मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप भी एक्साइटेड है। हालांकि अभी मैं एक वेबिनार भी ज्वाइन करने वाला नासा का, उसमें भी एक क्वेश्चन कर दूंगा मैं, तो उसकी भी उसको भी थोड़ा सा शेयर कर दूंगा मैं, तो आप लोग भी देखना, मज़ा आएगा। लाइव स्ट्रीम बहुत मतलब तगड़ी होने वाली है लाइव स्ट्रीम उस दिन की। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये जो इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर है बेसिकली इसके जो मतलब रोटेटर है या इसके जो हमारे आसान भाषा में बताएं तो इसका जो पंखा है उस पंखे के ऊपर इसका सोलर पैनल लगा है। तो ये जब अभी डिप्लॉय हो चुका है, जब ये चालू होगा मतलब जब ये घूमने लगेगा, इसका रोटेटर जब घूमने लगेगा तो वो जो सोलर पैनल लगा है ऊपर उसकी मदद से ही वो चलेगा। और ये काफ़ी छोटा है, हार्डली 30 किलो का होगा, ये 27 किलो का है ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है, ऐसे मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, पर ज़्यादा नहीं होगा, 27 किलो के आसपास ही होगा कुछ। तो हार्डली मुझे भी लग रहा है 1 किलो का होगा उसको देखकर, पर पता नहीं मैंने सर्च नहीं किया उसका वेट कितना है। तो वो जो वेट है काफ़ी मतलब हल्का है वो, और ये सिर्फ टेस्ट के लिए, उसके साथ एक कैमरा भी है जो आगे उसको देखने के लिए मदद करेगी और परसिवरेंस को आगे भेजने में मदद करेगी, तो काफ़ी मज़ा आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल में सीखने के लिए और देखने के लिए बहुत कुछ है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।